हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला प्लेस। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपने उन सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करने वाले हैं जो चाहते हैं कि हम उनका नाम चॉकलेट पर लिखें। तो आइए देखते हैं वो कौन से लकी सब्सक्राइबर्स जिनके नाम की चॉकलेट आज मसाला प्लेस में बन रही है। तो आइए बनाइए मेरे साथ और आपका ही अपनों के साथ। तो आज मेरे पास ये कलरफुल चॉकलेट है, बेसिकली बची हुई चॉकलेट है, क्योंकि मुझे हर दिन एक नई कस्टमाइज चॉकलेट का वीडियो बनाना होता है आप सबके लिए। तो इसके लिए मुझे चॉकलेट को कलर करना पड़ता है। तो जब वो चॉकलेट थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, तो मैं उसे स्टोर कर लेती हूँ। तो आज मैंने देखा ये चॉकलेट कुछ ज्यादा ही हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कलरफुल मार्बल चॉकलेट बनाई जाए और उस पर अपने सब्सक्राइबर्स का नाम भी लिखा जाए। है ना इंटरेस्टिंग आइडिया? तो चलिए आइए देखते हैं किस किस का नाम आज चॉकलेट पर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास चॉकलेट थी ना थोड़ी थोड़ी, उन्हें मैंने डायरेक्टली मोल्ड में ही डाल दिया है, और जो पीसेस थोड़े बड़े थे उन्हें मैंने नाइफ से कट कर लिया है, और फिर इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। माइक्रोवेव में ये मेल्ट हो जाएंगी और फिर इसे सेट कर लेंगे। और अगर आपकी चॉकलेट 30 सेकंड में मेल्ट नहीं होती है तो आप 30 सेकंड का और टाइमर लगा लेना माइक्रोवेव में, और एक मिनट में तो चॉकलेट मेल्ट हो ही जाएगी। तो चलिए ये सेट हो रही है, तब तक हम दूसरी चॉकलेट बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का ये कुकी कटर लिया है, जिसे मैंने बटर पेपर पर रख दिया है, और इसमें ना हम चॉकलेट को डाल करके और इसको भी हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले किया था माइक्रोवेव में। और जब तक ये सेट हो रही है तब तक हम नेक्स्ट चॉकलेट को भी बना लेते हैं। तो इस चॉकलेट को बनाने के लिए मैंने ये आइसक्रीम मोल्ड का यूज किया है यहाँ पर। तो इसमें भी मैं ये भी ग्रीन और कुछ येलो कलर की चॉकलेट इसमें फिल करूंगी, और इसे भी हम सेम प्रोसेस से माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे और फिर इसे सेट होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये चॉकलेट सेट हो रही है ना, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही में मुझे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा जिससे मैं आपके नाम की भी चॉकलेट बना पाऊँ। और ये देखिए कितना प्यारा मार्बल इफेक्ट आया है हमारी चॉकलेट में, वो भी कितनी आसानी से। इसी तरह से हम सारी चॉकलेट को डीमोल्ड कर लेंगे। तो है ना कितना आसान तरीका ये मार्बल चॉकलेट बनाने का। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी चॉकलेट कैसे बनी। तो चलिए अब ये हार्ट शेप वाली मार्बल चॉकलेट को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। इसे हम पहले थोड़ा सा लूज कर लेंगे साइड से, और फिर ये अपने आप ही निकल आएगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है चॉकलेट। चलिए आइए अब अपनी लास्ट चॉकलेट को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये भी अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए इस तरह से हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, और ये देखिए कितना प्यारा मार्बल इफेक्ट आया है चॉकलेट पर। बीच बीच में वो जो ऑरेंज कलर आया ना, बहुत ही प्यारा आया है। छोटे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी चॉकलेट। तो आइए अब जल्दी से देखते हैं कौन से हैं वो लकी सब्सक्राइबर्स जिनका नाम चॉकलेट पर लिखने वाला है आज। और अगर आपका भी नाम चॉकलेट पर लिखा जा रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये चॉकलेट है सताक्षी के नाम की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चॉकलेट पर किसका नाम लिखने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम की भी चॉकलेट बनाऊं, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। और ये चॉकलेट है अमृता के नाम की। अमृता का अपना यूट्यूब चैनल है अमृता किचन्स के नाम का, और ये बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती है। तो आप इनके चैनल को भी देखें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं ये अगली चॉकलेट किसके नाम की होने वाली है। तो ये चॉकलेट है अंजलि के नाम की। तो आइए अब नेक्स्ट चॉकलेट को भी देख लेते हैं किसका नाम लिखने वाला है इस हार्ट शेप की चॉकलेट पे। वाओ, ये चॉकलेट तो काजल के नाम की बनी है। अगर आप में से भी किसी का नाम काजल है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का कौन है लास्ट लकी सब्सक्राइबर जिसका नाम चॉकलेट पर लिखने वाला है। वाओ, ये है रोहित। और अगर आपको भी अपने नाम की चॉकलेट बनवानी है तो मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच किया करिए और मुझे कमेंट किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।